हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना। एक फिनोमिना है पेयर प्रोजेक्शन, पेयर एनिहिलेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेप्ट। और ये तीनों जो फिनोमिना हैं, ये तीनों जो किसी समय पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को कंफर्म करते हैं। प्लैंक थ्योरी ये कहती है कि किसी समय पर जो फोटोन है उसके पास एनर्जी एच न्यू होती है, और लाइट बेसिकली इट इज ए बंडल ऑफ पैकेट ऑफ फोटोन्स। और अगर किसी समय पर नंबर ऑफ फोटोन्स हैं किसी समय पर किसी पर्टिकुलर सैंपल के अंदर, तो वहाँ जो एनर्जी होगी वो एनर्जी नहीं होगी। तो इस जो फिनोमिना है, जो मैं पहला फिनोमिना डिस्कस कर रहा हूँ, पेयर प्रोटेक्शन है। जब किसी समय पर कोई गामा रेज, जो फोटोनिक बीम है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और किसी समय पर अगर उसकी गामा रेज की जो एनर्जी है अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या उसके इक्वल होती है, जिस समय पर ये किसी न्यूक्लियस के पास से गामा रेज गुजरती है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्शन करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर पैदा करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का जो पेयर है वो प्रोड्यूस होता है। किसी समय पर पेयर प्रोजेक्शन फ्री स्पेस में नहीं होता, क्योंकि फ्री स्पेस में किसी समय पर एक तो चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में वहाँ कुछ होगा नहीं। और दूसरा जो सबसे मेन है कि अगर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन हम देखें, तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का पालन भी नहीं होगा। तो किसी समय पर ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर होता है पेयर प्रोजेक्शन। और किसी समय पे जो फिनोमिना है उसके लिए जो एनर्जी है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, और जो वेवलेंथ है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ 0.012 एंगस्ट्रॉम या 1.2 पिकोमीटर हो सकती है। तो ये किसी समय पे हमें ध्यान रखना है कि जो वेवलेंथ है वो 0.012 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम, इससे कम कम वेवलेंथ पे होगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन चलता है। ई जो होता है वो एससी अपॉन लैम्डा होता है, तो इसको ध्यान रखें इसी समय पे। तो ये पेयर प्रोटेक्शन था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं इस बताना चाहूँगा वो ये है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं एनर्जी मास में बदली है, क्योंकि ये जो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन की निकाल कर लाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो ई बराबर एम सी स्क्वायर से हम वैल्यूट करते हैं। और ये एनर्जी एम की वैल्यू को जब 9.1 गुणा 10 की पावर -31 रखते हैं, और सी को 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और अगर इसे हम 1.6 गुणा 10 की पावर -13 से जब इसे डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, 0.51 MeV। और 0.51 MeV इलेक्ट्रॉन की, और पॉलिट्रॉन का रेस्ट मास भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इनकी दोनों का जो एनर्जी समय वो किसी समय पर 1.02 MeV होता है। तो किसी समय पर जो रेस्ट मास एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी किसी समय फोटोन की होनी चाहिए, और अगर ये एनर्जी इससे ज़्यादा होती है तो इनको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। तो ये फिनोमेना था, इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी मास में बदलती है, तो आइंस्टीन का कन्फर्मेशन है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर हो रहा है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका जस्ट रिवर्स फिनोमेना है, इसमें हम देख रहे हैं कि किसी समय पर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास मास होता है, और मास के दोनों को मास मिलकर आपस में एनिहिलेशन के बाद एनर्जी में मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर से सदा 2 गामा रेज या 3 गामा रेज मिलती हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर किसी समय पर इलेक्ट्रॉन के किसी समय पर हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम एक दिशा में है, दूसरी तरफ से पॉजिट्रॉन आता है, तो अगर दोनों इक्वल और अपोजिट दिशा से आते हैं इक्वल, तो हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को एनिहिलेट करके जो मोमेंटम होगा वो किसी समय पे वो अगर पी है दूसरे का भी पी है तो उनका नेट मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन के कारण जीरो होगा। लेकिन अगर हम सिंगल फोटोन निकालें, केवल एक ही फोटोन इमिट होगा, तो उसके पास मोमेंटम एच न्यू बाई सी होगा। तो होता क्या है कि किसी समय पे जब कॉलिजन होता है तो फोटोनिक के दो बीम निकलते हैं, जिससे क्या होता है एक मोमेंटम एच न्यू बाई सी ले जाता है, दूसरा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एच न्यू बाई सी ले जाता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये श्योर करता है कि किसी समय पर 2 गामा रेज निश्चित तौर से निकलती हैं, किसी समय पर हम ये नहीं देखते, जबकि सिंगल फोटोन से पैदा किया जा सकता है पेयर प्रोजेक्शन, लेकिन पेयर एनिहिलेशन में 2 या 3 गामा रेज निकलती हैं। सिंगल किसी समय पर गामा रेडिएशन से नहीं होता, मतलब सिंगल फोटोन नहीं निकलता गामा रेडिएशन का। तो ये पेयर एनिहिलेशन था। और महत्वपूर्ण चीज और भी है इसमें कि यहाँ जो इनके पास रेस्ट मास एनर्जी थी 0.51 MeV प्लस 0.51 MeV, और दोनों का सम जोड़ के उसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी अगर 2 गामा रेज निकलते हैं तो वो एनर्जी उनके द्वारा शेयर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखें इसे। इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि ये जो फिनोमिना है दोनों ई बराबर एम सी स्क्वायर को वेरीफाई करते हैं, जो बताता है कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में बदली जा सकती है। यहाँ देख रहे थे एनर्जी मास में बदली थी,
क्योंकि इसके पास फोटोन के पास एनर्जी थी और इनके पास मास है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो रेस्ट मास है और जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो किसी समय एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ये कन्फर्मेशन है आइंस्टीन एक्सप्रेशन का, जो आइंस्टीन कहते हैं कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। तो ये एंटायरली कन्वर्टेबल क्वांटिटी है। अगर मास जिससे अपीयर करता तो वो एनर्जी की फॉर्म में मिल जाता है, एनर्जी जिससे अपीयर करती है तो मास की फॉर्म में मिल जाती है। उसके अलावा पेयर प्रोजेक्शंस फ्री स्पेस में नहीं होता, मैं अभी समझा ही रहा था। उसके अलावा ये फिनोमेना जो है हाई एनर्जी और हाई एटॉमिक नंबर में होता है। हाई एनर्जी में ये है क्योंकि गामा रे से ज़्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं होती। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप में एक ह्यूज क्वांटिटी है जो केवल गामा रेज रख सकती हैं। तो फिनोमेना जो होता है ये किसी समय पर पेयर प्रोजेक्शन वो गामा रेज ही शो करती हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ आती है वो 0.012 एंगस्ट्रॉम आती है और ये सतह जो लाई करती है इस रीजन में उसका जो रीजन है वो गामा रीजन होता है, गामा रेज रीजन। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये फिनोमेना मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उसके अलावा ये फोटोन और वेव की कंसेप्ट है, इसमें हम समझा रहे हैं कि किसी समय पे एक फोटोन है जिस समय पे यहाँ से चलता है इसके पास एनर्जी एच न्यू है। उसके बाद जैसे ही ये एच हाइट फॉल करता है ऊपर की तरफ से अर्थ किसी समय पे एटमॉस्फेयर में ऊपर मूव कर रहा है फोटोन और अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है। तो जब वो नीचे की तरफ आता है तो जो इसके पास किसी समय पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव है वो MgH होगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे थी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी थी उसकी एच न्यू थी जब ये दूरी पे था, और जब इसके पास यहाँ जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी पूरी की पूरी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास कंटेन थी तो वो एनर्जी एच न्यू प्लस MgH हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो फोल्ड करके ये किसी समय पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा। तो उस समय पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे इसके पास जो एनर्जी थी, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं तो इसके पास यहाँ एनर्जी एच न्यू थी, इधर एनर्जी फॉल होने के बाद एच न्यू प्लस MgH हो गई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MgH होता है। तो एच न्यू डैश इजकल टू एच न्यू प्लस MgH, तो फाइनल फोटोन एनर्जी है ये यहाँ पे जब ये कैपिटल एच हाइट फॉल कर जाता है फोटोन ऊपर की ऊपर से अर्थ के ऊपर है हाइट एच के ऊपर और फॉल कर जाता है नीचे। तो एच न्यू डैश की वैल्यू एच न्यू प्लस MgH हो जाती है, ये हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसी समय पे हमें ये भी पता है कि प्लैंक थ्योरी कहती है कि एनर्जी जो होती है वो एच न्यू होती है किसी समय में फोटोन के साथ, और आइंस्टीन कहते हैं कि एनर्जी किसी समय पे MC स्क्वायर होती है। तो फोटोन ऐसे बिहेव करता है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है लेकिन फोटोन का जो डायनेमिकल मास है वो एच न्यू बाई सी स्क्वायर होता है। तो ई बराबर एच न्यू इजकल टू MC स्क्वायर करते हैं तो एम की वैल्यू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर आती है। यहाँ पे एम की जगह पे एच न्यू बाई सी स्क्वायर रखते हैं तो एच न्यू डैश इजकल टू एच न्यू प्लस एम की वैल्यू पुट करें हैं एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू जी एच। तो एच न्यू डैश एच न्यू यहाँ से कॉमन निकाल दें, एच न्यू डैश इजकल टू एच न्यू 1 प्लस जी एच अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से न्यू डैश माइनस न्यू निकाल लें, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ के आई वो न्यू डैश है, जो यहाँ पर थी वो न्यू थी जो एच हाइट ऊपर थी। तो न्यू डैश माइनस न्यू की वैल्यू स्मॉल जी कैपिटल एच अपॉन सी स्क्वायर इंटू न्यू होगी। खासतौर से एक चीज़ और भी ध्यान दें हैं, ये एक्सप्रेशन ये भी बताएगा कि ये बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी का। रीजन से इसका ये होगा कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि डिवीजन में है, ये वैल्यू देगा सी होता 3×10^8, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 9×10^16 और जी एच न्यू की वैल्यू उसके कंपेरेटिवली बहुत इफेक्टिव नहीं रहती। तो हम देखेंगे ये जो बदलाव है वो बहुत कम आता है। तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके रखें, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है, कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सीधा भी पूछा जा सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जैसे बताएगा इतनी हाइट एच के ऊपर फॉल किया फोटोन और उस इनिशियल फ्रीक्वेंसी उसकी हाइट एच के ऊपर इतनी थी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें और सॉल्व कर लें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इसी वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज ग्रेविसर्ट एक्सेप्ट। तो इसमें हम देख रहे थे इस वाली प्रॉब्लम्स में कि किसी समय पर फोटोन के ऊपर भी ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है और कैपिटल एस से जब फोटोन ऊपर से फॉल करता है नीचे तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका इन्वर्स होगा। तो ये हमें सदा ध्यान रखना है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी ध्यान रखनी है। ग्रेविसर रेडशिफ्ट का कंसेप्ट समझें। ग्रेविसर रेडशिफ्ट में क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज व्हेन फोटोन मूव टुवर्ड्स द अर्थ एंड वाइस वर्सा। किसी समय पर कोई फोटोन मूव अर्थ की तरफ टू वर्क्स मूव करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और इसका कन्वर्स करें अभी हम देख रहे थे सेम फिनोमेना है,
और किसी समय पे इसका इन्वर्स भी होगा कि किसी समय पे फोटोन अगर मूव्स टूवर्ड्स की बजाय अवे जाता है अर्थ से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी समय पे अब यहाँ पे हम देखें इस एक्सप्रेशन को, हम निकालते हैं ग्रेव शेल्ड एक्सेप्ट एक्सप्रेशन, कि किसी समय पे एक फोटोन है जो किसी समय अर्थ की सरफेस के ऊपर है और अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पे फोटोन है। तो किसी समय पे फोटोन अगर होगा तो हमें ये पता है कि किसी समय जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ अर्थ का मास पूरा का पूरा इस वाले पॉइंट के ऊपर हम फोकस मान सकते हैं और ये रेडियस आर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, जहाँ पे कैपिटल जी तो होगा ग्रेविशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम होगा मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम होगा फोटोन का मास और आर होगी इसकी रेडियस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। एम की जगह पे हम फोटोन का मास हमें पता है कि आइंस्टीन कहते हैं ई की वैल्यू एम सी स्क्वायर होती है और प्लैंक थ्योरी कहती है एनर्जी एच न्यू होती है, तो एनर्जी को हम एम को एच न्यू बाई सी स्क्वायर लिख दें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से हम इवेल्यूट कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस जी एम एम बाई आर में एम की जगह पर स्मॉल एम की जगह एच न्यू बाई सी स्क्वायर रख दें। एक चीज़ सदा ध्यान रखें कि किसी समय पर जो एनर्जी होती है वो सदा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। जिस समय पर फोटोन एनर्जी एच न्यू रखता है तो वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है, तो एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करें तो एनर्जी होगी यहाँ एच न्यू जो फोटोन के पास एनर्जी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने है वैल्यू की है माइनस जी एम एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर आर, इसको इक्वेशन वन कहते हैं। जैसे जैसे ये फोटोन दूर डिस्टेंस पर जाता रहेगा, बहुत दूर जाने पर अर्थ का जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल इफेक्ट वो कम होता चला जाएगा, और अगर वो बहुत दूर है फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा और इसका असर शून्य की तरफ जाएगा हमारा। तो एनर्जी उस समय पर पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखेगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और वो एच न्यू डैश होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, एच न्यू डैश जब लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है तो एच न्यू डैश की वैल्यू एच न्यू माइनस जी एम एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर होगी। इस एक्सप्रेशन में हमें पता चल रहा है कि न्यू डैश की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी किसी समय पर घटती है और फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो इसलिए जब फोटोन अर्थ की सरफेस से दूर जाता है तो शिफ्ट जो होगी वो रेड कलर की तरफ होती है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल रेडिएशन में, इसलिए इसे ग्रेविटेशनल एक्सेप्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे एच न्यू डैश को हम एच न्यू माइनस जी एम एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर कर दें, एस से एच कैंसिल आउट कर लें, न्यू डैश अपॉन न्यू वन माइनस जी एम अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा और चेंज जो डेल म्यू अपॉन म्यू होगा म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू उसकी वैल्यू होगी वन माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू इक्वल टू जी एम अपॉन सी स्क्वायर आर, और न्यू डैश माइनस न्यू की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं जी एम अपॉन सी स्क्वायर आर इंटू म्यू। तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जब ये यहाँ पे था फोटोन। तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, न्यू देगा कैपिटल एम हमें देगा आर देगा और चेंज इन किसी समय पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी एवोल्यूट करा लेगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और यहाँ पे हम देख रहे थे इस वीडियो में कि जो किसी समय पे फोटोन है वो ऐसे बिहेव करता है कि उसके पास एनर्जी है एच न्यू है और उसका डायनेमिकल मास ऐसा बिहेव करता है कि मास एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर है, और प्लैंक थ्योरी के हिसाब से ये हम फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये फर्दर कन्फर्मेशन है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का, वेव नेचर ऑफ थ्योरी और लेजिंग फिनोमेना एक्सप्लेन करती थी इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ईटीसी। तो ये हमारे पास ड्यूलिटी करेक्टर ऑफ लाइट है, और आइंस्टीन का एक पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आइंस्टीन से ये पूछा जाता था कि किसी समय लाइट को क्या कहा जाए पार्टिकल या वेव है, तो आइंस्टीन ने कहा था कि रेस्ट ऑफ माय लाइफ इसी चीज़ में सर्च करने में लगेगी कि लाइट पार्टिकल या वेव है। लेकिन आइंस्टीन जब अपनी मृत्यु के करीब थे तब तक भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और बाकी इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इम्पोर्टेंट वीडियो था, और दूर दूर तक शेयर करें जिससे ये वीडियो हमारे गांव के बच्चों तक पहुंच पाएँ और इसका दूर आम जनता को इसका भरपूर लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।